फिर हम मसल्स की तरफ आ जाते हैं कि जो मसल्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है। आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं वो मिलके एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू की जो है वो चार टाइप्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। इसी तरह से एक और होता है टाइप। तो मसल्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली इन्वॉल्व मूवमेंट। मसल टिश्यूज जो हैं दीज आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मूवमेंट इन मेनी वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। मसल्स की जो है वो कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन लाइक कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो सकते हैं जिस तरह से इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर। दे कैन एक्साइट, लाइक दे कैन रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, इसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं या इरिटेबिलिटी कहते हैं। फिर एक्सटेंसिबिलिटी, लाइक ये स्ट्रेच हो सकते हैं। सो दीज आर लाइक ऑपोजिट, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं लंबे भी हो सकते हैं, राइट। फिर इलास्टिसिटी होती है, दैट दे कैन रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कॉन्ट्रैक्टेड, छोटे या बड़े होने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ जाते हैं। ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये एनिमल मसल्स की प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। फिर हम देखते हैं कि जो मसल्स होते हैं वो अभी तक जो हमने पढ़े हैं इनमें तीन स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो लाइक प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जगहों पे और स्पिंडल शेप होते हैं। स्केलेटल मसल्स की क्या टाइप है, कार्डियक मसल्स किस तरह के होते हैं, ये हम थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं आगे। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं, लाइक धागे की शक्ल का, जो कि सेंटर से थोड़ा सा स्वॉलन होता है। इसकी चार प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, लाइक दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन, मतलब ये इनवॉलंटरी होते हैं, इनको बस एक दफ़ा स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है या खुद ब खुद से ही इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है। इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, यू कैन सी ओनली वन न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप होते हैं एंड अरेंज्ड इन पैरेलल पैटर्न्स, लाइक देखिए आपके इस तरह से ये लेयर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये चार इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको देख के आप पहचान भी सकते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स, इसको हम जो है वो स्मूथ मसल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो है वो नर्वस स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती इनको, उसके बगैर ही ये जो है वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। सो दे मेंटेन अ गुड टोन, अ नॉर्मल डिग्री ऑफ विगर एंड टेंशन इवन विदाउट नर्वस स्टिमुलेशन। इनके और प्रॉपर्टी क्या है, ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट दे कैन सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस एंड डू नॉट फटीग इजीली, ठीक है। लाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट करें स्मूथ मसल्स को तो वो काफ़ी देर तक कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स रह सकते हैं, और लेकिन ये थकते नहीं हैं बहुत जल्दी। इनकी जो इनवर्टिब्रेट्स में टाइप है, हमने मतलब जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें तो पढ़ा हुआ है कि जो सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इससे बना होता है स्मूथ मसल्स। कन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिस तरह से मोलस्क होते हैं, बाइवैल्व मोलस्क आपने पढ़ा था, अपने डक्टर मसल पढ़ा था याद है, जो कि दो उसके जो लीफलेट्स होते हैं उनको जोड़ के रखता है, उसको हमें डक्टर मसल कहते हैं, ठीक है जी मैम। जी मैम, तो डक्टर मसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि क्लैम्स को जोड़ के रखते हैं, और उसमें एनर्जी भी उनकी कंज्यूम नहीं होती और वो काफ़ी अरसे तक मतलब ओपन भी नहीं हो सकते या ओपन किया नहीं जा सकता, इस तरह से वो जो इनसाइड उसके ऑर्गेनिज्म होता है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं वो मतलब इसमें अब जो पिछला वाला है इसमें आप देखेंगे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई डार्क एंड लाइट बैंड्स नज़र आ रहे हो, लेकिन जो कार्डियक मसल्स है उसमें आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स नज़र आते हैं, लाइक दिस इज द डार्क बैंड, दिस आर द लाइट बैंड्स। तो इसको हम स्ट्राइएटेड कहते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो होते हैं मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसके अंदर एक्टिनोमाइसिन की जो प्रोटीन्स होती हैं वो इस तरह से ओवरलैप करती हैं कि उससे आपके पास स्पेसिफिक स्ट्राइएशंस बन जाती हैं या स्ट्रीक्स बन जाती हैं। इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन इनकी पहचान क्या है कि ये इस तरह से ब्रांच्ड होते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, सेल एक सेल से दूसरा सेल निकल रहा है, दूसरे से तीसरा निकल रहा है, तो ये जुड़े हुए होते हैं इसलिए ब्रांच्ड होते हैं।
ये जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में तो काफी कॉमन होते हैं, लाइक जो भी उनका स्ट्रक्चर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ये काफी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा कुछ मसल मसल जो होते हैं, जो स्मूथ मसल्स मतलब सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, उसके अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन जो एडल्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर हम इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसकी ब्रांचिंग का क्या फायदा होता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं इंटरलॉक कर लेते हैं, मतलब आपको पता है कि जैसे हम फिंगर्स होते हैं उनको एक दूसरे में अगर डाल दें तो वो आपको एक स्ट्रॉन्गर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, यू कैन नॉट ओपन देम। तो इसी तरह से जब इनकी ब्रांचिंग होती है तो इससे इनको काफी लाइक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ये, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू पुल देम अपार्ट। तो ये उसको कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से ये भी बहुत जल्दी फटीग नहीं होते हैं, एंड दे कैन रिलैक्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये आपके पास कार्डियक मसल होता है। फाइनली जो है वो आपके पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये वो मसल्स हैं जो कि एंडोस्केलेटन के साथ या एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यू कैन नॉट सी के जी सेल कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तो इससे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे और सेल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वोलंटरी होते हैं, मतलब इनको जो है वो ब्रेन खुद कंट्रोल करता है, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। इनको मैसेज मिलेगा तो ये मूव करेंगे। और ये जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि ये जो मसल्स होते हैं दे कैन ओनली पुल, लाइक जब ये स्ट्रेच करेंगे तो ये खींच सकते हैं किसी चीज को, बट ये धक्का नहीं लगा सकते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो करते हैं, बट लाइक इसमें ये है कि जब ये मूव करते हैं तो फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कि अगर एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वो खुद से रिलैक्स नहीं होगा, बल्कि जब उसके ऑपोजिट वाला पेयर रिलैक्स होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर पहले वाला रिलैक्स होगा। ठीक है, इस तरह से जो मसल्स होते हैं जी ये ऑपोजिट उसमें मूव करते हैं, कि जब एक मसल जो है पेयर का वो बेंड करता है तो दूसरा जो है वो रिलैक्स करता है। ठीक है, सो वन मसल ऑफ अ पेयर बेंड्स फ्लेक्सेस अ जॉइंट एंड ब्रिंग्स अ लिम्ब क्लोज टू द बॉडी, एंड द अदर वन कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिलैक्स एंड टेक इट बैक या टेक इट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस तरह से ये जो मसल्स होते हैं ये एंटेगोनिस्टिक उसमें मूव करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं स्केलेटल मसल्स की इनवर्टिब्रेट्स में, वो आपके पास बहुत सारी हैं, जिस तरह से गैस्ट्रोपॉड्स जो होते हैं उनका फुट, स्नेल का फुट जो है, फिर आर्थ्रोपॉड में विंग मसल्स होते हैं, और उनकी जो मतलब लेग्स होती हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्टिकली मूव करते हैं। इसी तरह से और लाइक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमने टाइप पढ़ी है सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्लिक मसल्स की। तो ये जो सारे मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स की टाइप हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में ये सारे मतलब हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे पीछे, और इनका हमें पता भी है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में मस्कुलर सिस्टम होता है और ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमने जो है वो पढ़ा आपका मतलब नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स और मसल्स की टाइप्स पढ़ी हैं। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मस्कुलर मूवमेंट्स पढ़ेंगे, दोनों में, इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी। ठीक है, तो आज का लेक्चर